हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केमन अछो, कासा कई और का हाल बा। तो काफी दिन हो गए हमें ब्लॉग बनाए हुए, तो हमने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग बनाया जाए। और ब्लॉग बनाने का कारण ये भी है कि हम कहीं दो तीन दिन, तीन दिन चार दिन के लिए घूमने भी कहीं जा रहे हैं, तो सोचे कि आप लोग के साथ घूमें हम और आप लोगों को भी दिखाएं और हम लोग भी इंजॉय करें, आप लोग भी इंजॉय करें। तो पर्पस यही था हमारा आज का ब्लॉग बनाने का। तो हम लोग कब निकल रहे हैं बोला, कल ना, कल सुबह में निकल रहे हैं। सुबह की ट्रेन है, सुबह की 6 बजे की ट्रेन है हमारी, और बस निकलेंगे तो रात के 11:30 हो रहे हैं। और बस पैकिंग वैकिंग अभी बाकी है करना, पैकिंग वगैरह भी करेंगे और उसके बाद फटाफट खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर सुबह में निकल देंगे। 4 बजे निकलना पड़ेगा हमें एटलीस्ट स्टेशन पहुँचने के लिए। तो कि मिक्सी में देखिए पीस रही है, काफी दिन बाद, पहले तो डर जाती थी, अब देखिए अब पीस रही है, पालक पीस रही है। क्या बना रही हो? पालक पनीर। पालक पनीर। तो गोला यहाँ पे पालक पनीर बना रही है और रास्ते के लिए। हे गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहते रहिए और सबको खुशियाँ बांटिए। तो आज भी हम लोग सोचे क्यों ना हम आपके साथ खुशियाँ, थोड़ा एक छोटी सी खुशियाँ आपके साथ बांटे। तो हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग फैमिली है तो हम लोग फुल फैमिली घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, वो भी सबके साथ। ठीक है जी, तो हमारे साथ ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा। बट हम कहाँ जा रहे हो तो वहीं जाके पता चलेगा। अभी फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि कुछ खाना वाना बनाना है तो खाना भी पैक करना है, क्योंकि समय में हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते नहीं है, तो घर का ही खाना बनाते हैं। तो लेट नाइट खाना बन रहा है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और कुछ कुछ पैक कर लेंगे, पर रोटियाँ बनाएंगे बस। तो गोला यहाँ लगी हुई है पैकिंग करने में, का पैक हुआ गोला? अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए सारा कुछ लेके यहाँ बैठ गई है। और ये जूस वगैरह भी ले जा रही हो क्या? हाँ, रास्ते में खाने के लिए सही रहता है। ये मास्क हो गया, ये वाइप वगैरह करने के लिए कुछ आपको वॉशरूम वगैरह में यूज हो जाएगा, ऐसे भी आपको यूज हो जाएगा। ये मिल्क केक वगैरह भी गोला ले लिए, मिक्सर है, भुजिया है, कॉफ़ी है, दूध वगैरह हम गरम ले लेंगे, कॉफ़ी पीते हुए चल निकल जाएंगे। और यहाँ पे बैग में डाला जा रहा है कपड़ा, गरम कपड़े, गरम कपड़े, क्योंकि ऊपर ठंडी लगे बताया जा रहे हैं हम। पर जहाँ भी जा रहा है अनुमान तो हम दे रहे हैं, बट आप गेस नहीं कर पाएंगे। ऊपर बहुत ठंडी लगती है, तो हमारे साथ बने रहिए, तो आप मजा लीजिए, सारे अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। और कंबल पे डाल दिए? अच्छा, कंबल ऊपर डालोगे ना, सारा आ जाएगा इसमें। कहीं जाना हो, कहीं टूर जाना हो, कहीं दूर जाना, तो ऐसा बैग सही रहता है, वो ट्रॉली वॉली लेके जाने सही नहीं लगता। ये भी हो जाता है, पीठ पे डाले और लेके निकल गए ना। जो पहन के जाना हो निकाल लिया ना अलग। ठीक है, बारह बजे भी गए ना। सारा क्या तो गया, कपड़ा आ गया ना सारा, ये पन्नी डाल दो, काम आएगा ये। इस साइड में किसी में डाल देना ना, जैसे ये साइड में है ना, इसमें डाल देना। टोपी, मोजा, सारा कुछ डाल देना, सॉक्स वगैरह, वहाँ सॉक्स वगैरह यूज होगा। तीन मेरे हैं, तीन तुम्हारे हैं। ठीक है, मास्क डाल लो। ठीक है, कहाँ जा रही हो? मोजा को ना पन्नी में रखूंगी ना, ताकि हमें इजीली मिल जाएगा, तो सारा फैल जाएंगे, कहाँ कहाँ गिरेंगे पता नहीं चलेगा। ये हो गया मोजा, टोपी भी इसमें डाल देती हूँ मैं। डाल दो।
और मास्क फेस में डाल देती हूँ। ये वाला भी मास्क डाल दो, ये वाला मास्क एक निकाल देना, मैं यूज कर लूँगा। एक तो है बाहर, एक बाहर है, वहाँ एक बाहर है, ये रखती हूँ। इसी में डाल दो सारा कुछ भी हो जाए। तुम मास्क अपने लिए निकाल दी हो? मास्क तो बहुत सारे बाहर तक है, है बाहर तो मास्क ऐसे पैक हो गया। साइड साइड में भी डाल सकते हो, जगह है बहुत सारा। मेरे को लेक्चर मारो, खुद पैक करो फिर आके। अब लेटा दो। अब इसको कैसे डालें कंबल को? उसी में डाल दो, लेटा के डाल दो ना, लेटा दो ना इसे। कैसे लेटा डालूं? बैग को लेटा दो, डाल दो अच्छे से ढक जाएगा। वो ज्यादा ही बड़ा हो गया। बाकी की चीजें बाद में पैक होंगी, चार्जर फोन ये सब चीजें। ठीक है, अपने फटाफट मूव कर लेते हैं। खाना बना रही हो? ठीक है, बना रही हूँ। दूध भी गर्म करना है? हाँ, दूध के लिए हमने ये ले रखा है, ये गर्म रखेगा। और इसी में कॉफी पियेंगे। हाँ, और इसमें पानी के लिए ले लेंगे दो, हमारा थर्मस हो जाएगा, मतलब बॉटल। सब ठीक है। पनीर फ्राई करके रखी हो पहले? ऐसे नहीं, बस बनाना ही है ना? हाँ ठीक है। पालक पीस लिया है, चलो फटाफट बना लो, क्योंकि बना के फिर बर्तन उधर धो के भी जाना है ना। हाँ, ऐसे घर पर रहेगा तो अच्छा नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग जग चुके हैं। जग क्या चुके हैं, 1 बजे हमें सोए थे और 3:30 उठ गए, 3 बजे ही उठ गए, 2 घंटा सोए और सोचे कि ट्रेन में ही सो जाएंगे, क्योंकि सुबह के ट्रेन है, 4:30 की ट्रेन है, तो हम 4:30 में यहाँ से निकल जाएंगे, 4:30 में, 4:30 तक निकल जाएंगे। तो चाय पीते हैं, पैकिंग वगैरह हो गई है, बस कपड़ा चेंज करना है और निकलना है, तो बस। हे गाइस, तो अब हम दोनों लोग पैक हो गए हैं और निकलते हैं, बस अब 4:30 हो गया है, कैब भी आ गई है, चलते हैं फटाफट बाहर निकलते हैं। पहुंच गए अपने ठिकाने पे। हे गाइस, तो रेलवे स्टेशन आ गए न्यू दिल्ली, और बस अब जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। टाइम से आ गए हैं, 5 बजने में भी 10 मिनट कम है और ट्रेन है हमारी 5:30 की, तो आराम से आ चुके हैं हम लोग। जल्दी आने से यही फायदा है कि कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। हाँ, तो हमेशा हड़बड़ी रहती है। चलो यहाँ पे बैग डालना पड़ेगा। तो हम स्टेशन के अंदर प्रवेश हो चुके हैं और ठंड बहुत हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो एक्सलेटर ही बंद है। चलो कोई नहीं, बंद है, पैदल ही चलना पड़ेगा। आएगी बोला, रुक जाओ, यही है, आ जाओ। किसी पे आ जाओ, आगे वाला पीछे वाला, पीछे